बिहार में सत्ता की कमान आरजेडी ने भले ही नीतीश कुमार को सौंप दी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में जेडीयू ने ज्यादा जगह ली है। कांग्रेस का हद पिछली बार से फिर घटा है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को 31 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, तो दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों को तकरीबन बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 9 मंत्री ऐसे हैं जो महागठबंधन की पहली सरकार में भी मिनिस्टर बने थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में भारी जीत के बाद बनी महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 28 मंत्री थे, लेकिन महागठबंधन की दोनों सरकारों में तेजस्वी के पास उप मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण जिम्मा रहा। इनके अलावा आरजेडी के तेज प्रताप यादव, आलोक कुमार मेहता, चंद्रशेखर और अनीता देवी के पास नीतीश सरकार में पहले भी काम करने का अनुभव है। हालांकि चारों को पिछली बार से अलग विभागों का जिम्मा मिला है। इस बार आरजेडी को मंत्री परिषद में फायदा हुआ है। नीतीश कैबिनेट में आरजेडी की हिस्सेदारी 10% बढ़ी है। पिछली महागठबंधन सरकार में आरजेडी के 12 मंत्री थे और हिस्सेदारी 41% थी। वही मौजूदा सरकार में इसके 17 सदस्य हैं और हिस्सेदारी 51% यानी आधे से ज्यादा है। वहीं जेडीयू में मुख्यमंत्री समेत 44% सदस्य 2015 में मंत्री परिषद में थे। अब ये हिस्सा करीब 36% हो गया है। 2015 में कांग्रेस की हिस्सेदारी 13% थी और अब घटकर 6% रह गई है। हालांकि नए मंत्रिमंडल में HAM और निर्दलीय को भी जगह मिली है, जबकि 2015 में केवल 3 दलों की ही सरकार थी।